हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम की मैथ की प्रश्नावली 6.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यहाँ पे क्या लिखा है? संभावना। यहाँ पे ये नहीं लिखा इकाई अंक क्या है, तो इसमें जो संभावना लिखा है उसको भी हमने, जब ये हम प्रश्न करेंगे, इसको ध्यान में रखना है कि इन्होंने संभावना लिखा है। प्रश्न ये कहता है कि जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है, इसका जो वर्गमूल है, जो भी वर्गमूल, जैसे कि हमारा 81 नंबर है, एक होता है 81 नंबर है, इसका वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, तो जैसे 16 नंबर है, 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। इसका मतलब ये कि अगर हम 9 × 9 करते हैं तो क्या आता है? 81। 4 × 4 करते हैं तो 16, 2 × 2 करते हैं तो 4। तो 81 जो है, 81 का वर्गमूल है 9, और 9 का वर्ग क्या है? 81। तो अभी हमें यहाँ पे वर्गमूल के बारे में बोला गया। अगर जो भी हमें नंबर दिए गए, जैसे मान लो हमें यहाँ पे 81 नंबर दिया होता, तो उसका जो वर्गमूल है हमारे पास 9 है, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या, ये तो एक ही अंक की संख्या, तो इसका इकाई का स्थान क्या? ये तो है ही सिर्फ इकाई का ही स्थान की संख्या है, लेकिन यहाँ पे संख्या में बड़ी दे रखी है, तो जो इसका वर्गमूल होगा उसके इकाई के स्थान पर क्या संख्या होगी हमें बताना है। तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पे क्या अंक होने की संभावना है। तो आप देखो, जब भी हमें कोई नंबर दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ से देखो, ये है हमारे पास पहली संख्या है 9801। तो हमें जो संख्या दे रखी होगी ना, हमने उसका इकाई का स्थान देख लेना है। यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है? 1। अगर मैं 1 का अगर हम वर्ग निकालें तो हमारा क्या आता है? 1 × अगर 1 करते हैं तो हमारा क्या आता है? 1 आता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दे रखा है, 1 का वर्ग क्या है? 1। 2 का वर्ग क्या है? 4। 3 का जो है वो 9 है। अब हमें ये देखना है कि एक, जब हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारा 1 आता है, और हमारा 1 कब आता है? जब हम 9 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारा 81 आता है। तो 81 में भी हमारे जो इकाई के स्थान पर वो 1 आता है। ठीक है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद जो उसका इकाई के स्थान पे, या तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 होगा, या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 × 1 करने पे ही 1 आता है, और 9 × 9 करने पे हमारा 81 आता है, और उसके इकाई के स्थान पे 1 होता है। या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या लिख देना यहाँ पे आप। ठीक है, ऐसी जो दूसरी संख्या हमें दे रखी है, उसमें अभी हमें यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या दे रखा है? 6। तो 6 कब आता है इकाई के स्थान पे? जब हम 4 × 4 करते हैं तब आता है, यानी कि 4 का वर्ग 16, इसके इकाई के स्थान पे 6 आता है। या फिर हम जब 6 का वर्ग निकालते हैं 36, तब भी जो है हमारी इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो उसके इकाई के स्थान पे 4 होगा, या फिर वो 6 होगा। ठीक है, उसके इकाई के स्थान पे, क्योंकि 4 × 4 करेंगे तब भी हमारा 6 इकाई के स्थान पे आ रहा है, 6 × 6 करने पे भी हमारा इकाई के स्थान पे 6 ही आता है, तो 4 या 6। ऐसे हमारा ये देखो, इसके भी इकाई के स्थान पे 1 है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया था, सेम वही 1 × 1 करने पे भी हमारा 1 आता है, 9 × 9 करने पे 81 पे भी इकाई के स्थान पे 1 आता है। तो जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसलिए जो हमारे प्रश्न में हमें पूछा गया संभावना, बिल्कुल ये नहीं बोला क्या आएगा, संभावना 1 भी आ सकता है, संभावना है 9 भी आ सकता है। अब ये देखो कितनी बड़ी हमें यहाँ पे संख्या दे रखी है, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 5। तो 5 कब आता है हमारे इकाई के स्थान पे? जब हम 5 × 5, यानी कि 5 का जब वर्ग निकालते हैं तो 25 आता है। इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 5। तो यानी कि हमारा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो दूसरा प्रश्न है, उसमें बोला गया कि बिना गणन किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि आपको मैंने भूमिका वाली वीडियो में बताया था कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई गणना नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस हमें देख के ही बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो हमारा जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता, पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग में वो हमारा नहीं आता। तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ये तीनों हमारे पूर्ण वर्ग में नहीं आते, क्योंकि इनकी इकाई के स्थान पे 3, 7 और 8 है।
अब इसके इकाई के स्थान पर एक है, तो ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग में हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? देखो अगर मैं इसको 9 गुणा 9 करती हूँ तो 81 आता है, तो ये अगर हम इकाई के स्थान पे एक देखें तो यहाँ पे भी एक है इकाई के स्थान पे, तो इसका मतलब ये हमारा पूर्ण वर्ग हो भी सकता है। लेकिन अगर हम 21 देखें तो 21 के भी इकाई के स्थान पे एक आता है, लेकिन 21 हमारा किसी का भी जो है वर्गमूल वर्ग जो है वो किसी का नहीं है। किसी भी दो संख्या को गुणा करने पे 21 नहीं आता, सेम दो संख्याओं को, संख्या हमारी सेम होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी दो सेम संख्याएं नहीं है जिसको गुणा करके हमारा 21 आ सके। तो इसके भी इकाई के स्थान पे एक आ रहा है, लेकिन ये तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये हमारा पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप इसमें यही लिखोगे, पहले वाले में यही लिखोगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इन्होंने हमसे कोई कारण नहीं पूछा, इसलिए हमें कुछ कारण लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना लिख देना 153 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 257 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 408 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 441 जो है पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। प्रश्न 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 से 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच का जो बार बार घटाने वाली जो विधि है ना, उससे हमें इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल निकालने के और भी तरीके जैसे आपको बताए हुए मैंने, लेकिन हमें इसमें घटाने की विधि से करना है। तो घटाने की विधि वाला भी मैंने आपको भूमिका वाली वीडियो में समझाया था, जिस तरह से हमने ये पहला है हमारा 100, तो मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी घटाना है विषम संख्याओं में से घटाना, जैसे 100, 3, 5 ये सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। तो पहले 100 में से एक घटाया 99, 99 में से दूसरी विषम संख्या 96, फिर 96 में से तीसरी विषम संख्या, ऐसे करते करते हमें सारी विषम संख्या इनमें से घटाते जाना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, जब तक हमारा 0 ना आ जाए, तब तक ये सारी विषम जो जो हम घटा रहे हैं वो हम इधर लिखते जाएंगे, फिर उसमें से हम अगली विषम संख्या घटाते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा 0 आ गया, तो हम इसको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 100 का जो वर्गमूल है वो क्या आया हमारा 10, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्गमूल निकालना है घटाने की विधि से। वर्गमूल हम दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे घटाने की विधि से बोला गया है। तो जैसे कि ये है हमारा, सेम उसी तरीके से करना जैसे इस प्रश्न इस वाले पार्ट में किया है। अब ये हमारा नंबर दे रखा है 169, तो पहले एक में से फिर जो आंसर आएगा उसमें से 3, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5, फिर जो आंसर आएगा 7, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 9, ये सारी विषम संख्याएं जब तक हमें लिखते जानी है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम गिन लेंगे कितनी विषम संख्या हमने लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 विषम संख्या, तो इसका जो वर्गमूल निकला वो हमारा क्या आया 13 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न चार में, अब हमें जो वर्गमूल निकालना है ना वो हमें अभाज्य गुणनखंडों से निकालना है। पहले हमने कैसे निकाला है, घटाने की विधि से, अब हमें फिर से वर्गमूल निकालना है कैसे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। अभाज्य गुणनखंड की विधि ये है, मैंने आपको भूमिका वाली वीडियो में बताया था, बेसिक की वीडियो आप जरूर देखा करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके जो भी हम प्रश्नावली करते हैं। तो जैसे हमें 729 दे रखा है, 729 को हम अभाज्य गुणनखंड से करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, शुरू करेंगे हम 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 = 1, तो ये सारे हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और दो दो में से एक निकालेंगे, ठीक है, एक इसमें से, ये दो में से फिर एक, फिर ये दो में से एक, अब इनको हम गुणा कर देंगे, 3 × 9 और 9 × 3 = 27, तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया हमारा 27। ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट करेंगे, 400 है हमारा अगला, तो 400 को भी देखो हमने पहले 2 से किया, 200, फिर 2 से किया, फिर 100, फिर 2 से किया 50, फिर 25, फिर आगे हम 5 से करेंगे, तो हमारा 55 = 25 और 5 = 5, और इसको भी हम इस तरीके से जो है लिखेंगे, जितने भी हमारे 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 2 5 में से 1, फिर तीनों को गुणा किया 20, यानी कि 400 का वर्गमूल क्या है 20। इसी तरीके से हम ये करेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, ऐसे फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 1 से, और जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो हम सारे यहाँ पर लिख लेंगे, और दो दो में से हम एक एक निकालते जाएंगे और तीनों को गुणा कर देंगे, तो ये जो है इसका 42 इसका वर्गमूल हो गया।
ये देखो, अब ये है हमारा क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। 4096 हमारी संख्या है, 2 से स्टार्ट किया हमने, सारे ही हमारे जो गुणनखंड आए हैं ये सब हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 ही आए, इनकी पूरा का पूरा सारा का सारा ये हमारा 2 से ही हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी 2 आए हमने वो सारे यहाँ पर लिख लिए, 2 2, इनमें से सब में से एक एक 2 निकाल लिया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 12 है, 12 में सबने 6 निकाल लिए, तो कितना इन सबको गुणा करके आया, 64। तो इसका जो हमारा वर्गमूल निकला वो है 64। फिफ्थ पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है, पहले आपको ये लिख लेनी है संख्या, फिर 2 से स्टार्ट करो, जब तक 2 से हो सकता है उसको करो, ये सारे हमारे 2 से हुए हैं। उसके बाद हमारा आ गया था 121 हमारा हमेशा 11 से ही जाता है, तो हमारा जाएगा 11 एकम 11, 1 इधर चला जाएगा तो 11 एकम 11, और 11 एकम 11 11 हो गया, 1 हो गया, तो 2 2 2 और 11, तो इन चारों को गुणा किया तो 88, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। सिक्स पार्ट में भी ऐसे ही करना है, पहले हमारे 2 2 से चले जाएंगे, उसके बाद ही हमारे सारे 7 से जाएंगे, और उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और लिखने के बाद इनमें से एक एक निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 98, जो कि इसका वर्गमूल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, आगे वाले भी सारे हमें सेम ऐसे ही करने हैं। ये हो गया, पहले हमने 7 से किया, 7 8 ज़ा किया, फिर 7 4 ज़ा, फिर 7 7 ज़ा किया, फिर 7 के टेबल से किया, फिर उसके बाद 2 हमने 11 से किए, तो ये हमारा 2 7 और 1 2 11 आ गया, तो दोनों में से एक एक निकाल लिया, तो 77, ये इसका हमारा वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब देखो ये संख्या भी हमारी सारी 2 से गई है, उसके बाद 3 से, पहले 2 से किया, 2 4 8 2 6 12 2 5 10 2 8 16, फिर 2 2 4 2 3 6, फिर 0 का 0 हमने उठा लिया, 2 4 8, ऐसे करते करते हमारा यहाँ तक जो है 2 तक हुआ, फिर उसके बाद 2 9 18 आ गया, फिर 3 3 फिर 3 1 3, ये सारा हम ऐसे लिख लेंगे, और 2 1 इनमें से सब 2 2 और इसमें से 1 3, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो 96 का वर्गमूल आ गया। अब 9वां पार्ट है इसका 529, सीधा ये 23 से जाएगा ये, ठीक है, 529 जो हमारा सीधा 23 से जाएगा, और 23 से करोगे तो 23 ही आएगा, फिर 23 एकम 23, उसके बाद 1 हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, 2 में से 1, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। अब 10वां वाला है जो है, ये हमने किया 2 से स्टार्ट, 2 2 6 8, फिर 2 5 10, अब ये 2 संख्या हमने एक साथ उतारी थी, 0 भी आ गया, फिर 0 का 0, फिर 2 1 2, फिर 0, फिर 2 2 4 और 2 5 10, ऐसे करके फिर बाकी के हमने आगे से 3 से किए, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसमें से 2 3 3 और 5, तो कितना आ गया ये, इन सबको गुणा किया तो 90, तो ये हमारा प्रश्न 4। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे 5 6, और इस वीडियो हमने किए क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 से लेके 4 तक। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।